तो यार बहुत ही ज्यादा इंतजार के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब आई चुकी है और आज इस वीडियो में ना मैं उसी से रिलेटेड चार क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो आज का पहला क्वेश्चन है ना वो है पिच के बारे में। मतलब जब से पिच की पहली पिक्चर भा रही है ना बहुत ही ज्यादा हल्ला हुआ है यार। मतलब क्यों हो रहा है इतना ज्यादा हल्ला? मतलब हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं हम लोग बोलते हैं कि भाई तुमने ऐसी पिच क्यों बनाई, मतलब उनके यहाँ तुमने देखी होगी पूरी हरी पिच होती है, बाउंस होता है, पेस होता है। हम लोग तो खेलते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन इंडिया वालों ने मतलब स्पिनिंग ट्रैक क्या बना दिया, मतलब इंडिया वालों ने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा मतलब पानी कम डाला है शायद आगे की तरफ, तो इस पे इतना ज्यादा हल्ला हो गया भाई क्या बताऊं। मतलब यार हम लोग होम में खेल रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग एडवांटेज लेना चाहेंगे, यही तो मतलब है ना होम और अवे मैचेस का। अगर हम बाहर खेलने जा रहे हैं हम मतलब चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई तुम जैसी पिच बना रहे हो बनाओ। हम लोग गए ऑस्ट्रेलिया गए, हमने गाबा में इनका घमंड भी तोड़ा, अब ये लोग यहां आ रहे हैं तो हम लोग डेफिनेटली चैलेंज तो देंगे ही यार। तो हम लोग जैसी भी पिच बनाए खेलना तो पड़ेगा ही भाई इन लोगों को, तो यार ये हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा इंडिया वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं क्या चाहता हूँ बताया कि पहले ही दिन से पिच में इतनी ज्यादा टर्न होगी, ऑस्ट्रेलिया वाले मतलब कहां पे भाई क्या हो रहा है। मतलब यार तुमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच दिखाई होगा गाबा में, इन लोगों ने क्या किया पूरी हरी पिच बना दी। तो यार मतलब डेफिनेटली इनकी जो स्ट्रेंथ है वो फास्ट बोलिंग है, अपने बोलर्स के लिए उन्होंने इतनी अच्छी पिच बना दी, तो ये डेफिनेटली किसी भी पोजिशन में नहीं है हमें क्रिटिसाइज करने के लिए। मैं कहूंगा भारत जैसी पिच बना रहा है, आई सपोर्ट दैट। हाँ शुरू में मुझे भी मतलब थोड़ा लगा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में मैं समझ गया मतलब यार इतनी बुद्धि तो है डेफिनेटली। अब जो आज का दूसरा क्वेश्चन है ना वो ये है कि क्या केएल राहुल को टेस्ट में विकेट कीपिंग करनी चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर है नो। क्यों? क्योंकि यार टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपिंग करना क्या बच्चों का खेल है भाई? मैं सही बता रहा हूँ, बहुत से लोग चाहते हैं कि केएल राहुल विकेट कीपिंग करे क्योंकि उनका फेवरेट सूर्य कुमार यादव या फिर उनका फेवरेट शुभमन गिल को टीम में मौका मिल जाएगा। लेकिन भाई मैं सही बता रहा हूँ, जिस तरह की पिच है ना बहुत ही ज्यादा स्पिन होने वाला है वहां पर को, मतलब यार केएल राहुल मुझे नहीं लगता कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है मतलब वो बेसिक विकेट कीपिंग कर लेता है, ओडीआई और मतलब टी20 लायक है वो, मैं भी वहां पर को मतलब उसे विकेट कीपिंग करते हुए देखना चाहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि केएस भरत जो हमारा स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है ना उसे इस टर्निंग पिच पे तो यार मतलब विकेट कीपिंग करनी चाहिए। अब जो आज का तीसरा क्वेश्चन है ना वो ये है कि क्या हमें चार स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए? मतलब यार ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, सही बता रहा हूँ, हमें ना चार स्पिनर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे रीजन से मेरे पास। ठीक है मतलब पिच में बहुत ज्यादा स्पिन होने वाली है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है हमें दो फास्ट बॉलर तो लेके जाना ही चाहिए। क्योंकि सबसे पहला रीजन तो सिंपल ये है कि एक ना एक बॉलर हमारा अंडर यूज डेफिनेटली होने वाला है। मतलब देखो मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ तीन बॉलर बहुत ज्यादा यूज किए जाएंगे, एक बॉलर बहुत ही कम बोलिंग कराने वाला है, तो इससे बेहतर ये है कि एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को खिलाया जाए क्योंकि बाद में हमें रिवर्स स्विंग भी देखने को मिलेगा। मतलब नागपुर में 2010 में एक मैच हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच, वहां पर को जब रिवर्स स्विंग होने लगी ना डेल स्टेन ने 5 विकेट निकाले थे। तो जब मतलब रिवर्स स्विंग होने लगेगी मुझे लगता है कि हमें दोनों तरफ से फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि दो फास्ट बॉलर होने चाहिए और तीन स्पिनर होने चाहिए, मतलब यार मुझे लगता है ये इनफ होना चाहिए हमारी बोलिंग के लिए। अब जो आज का चौथा क्वेश्चन है ना वो ये है कि अगर टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जीतती है तो वो किसकी वजह से जीतेगी? क्या वो हमारे बॉलर्स होंगे जो मतलब इस मैच को जिताएंगे या फिर वो बैटर्स होंगे जो इसमें मतलब यार बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे? इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको देता हूं, मतलब यार मुझे लगता है हमारी बॉलिंग इस मैच में हमें जिताने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बैटर्स है ना, क्योंकि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो मतलब यार या तो रस्टीनेस से आ रहे हैं या फिर मतलब उनकी जो फॉर्म है कुछ खास नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूँ रविंद्र जडेजा, बहुत टाइम बाद मतलब इंटरनेशनल सीन में आ रहे हैं। ठीक है रणजी में उन्होंने 7 विकेट लिए थे, लेकिन यार ये ऑस्ट्रेलिया है, रणजी और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब ठीक है जडेजा में मुझे भरोसा है लेकिन बहुत टाइम बाद आ रहा है। दूसरा केएल राहुल, जैसे केएल राहुल ने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ही गंदा खेला था, मतलब बांग्लादेश के खिलाफ क्या 2021 में इसका जो टेस्ट का परफॉर्मेंस था वो कुछ खास नहीं रहा था, तो मतलब ये भी बहुत ही ज्यादा गंदी फॉर्म में, तो यार मतलब तो हमारी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। दूसरा रीजन श्रेयस अय्यर, जो कि मतलब हमारा स्पिन का बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है, स्टैट के हिसाब से तो इस पूरी लाइनअप में सबसे अच्छा जो स्पिन को खेलता है वो श्रेयस अय्यर ही है, तो वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहा है। तो विराट कोहली जो कि मतलब टेस्ट में आउट ऑफ फॉर्म थे, उनके कंधे में ना एक एक्स्ट्रा बर्डन होने वाला है, तो यार मतलब विराट कोहली भी फॉर्म में नहीं है, तो डेफिनेटली जो हमारी बैटिंग है ना वो मुझे नहीं लगता कि उतनी खास है। ऊपर से अगर शुभमन गिल टीम में खेलता है तो मतलब बहुत टाइम बाद मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, सूर्य कुमार यादव खेलता है तो मतलब उसका पहला टेस्ट है तो कैसा करता है मतलब वो भी मतलब देखने वाली बात होगी। तो मतलब यार मैं कहना चाहूंगा हमारी बैटिंग मुझे उतनी खास नहीं लग रही है, तो भी होप्स है ना वो मुझे अपने लोअर मिडिल ऑर्डर से या फिर हमारे बोलर से। आप लोग नीचे बताना कि आपको किससे ज्यादा होप्स है। तो यार आज की वीडियो इतनी ही है, होप आपको पसंद आई होगी।